हाँ एपीटीडी ज्यादा होता है। अब मैं दोबारा वो पाथवे तो ना समझाऊं, सबको याद है ना वो, अब तक तो याद हो गया होगा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे और एपीटीटी क्यों, और डॉक्टर समन को नहीं याद। चलो जी ठीक है, अगर एक बच्चा भी कहेगा उसको नहीं याद तो फिर मुझे करवाना पड़ेगा। दो पाथवेज हैं इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक स्मॉल, मैं थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा ठीक है। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक जो बड़े वाला ना, वो हिगमैन फैक्टर से, 12 फैक्टर से शुरू होगा। 12 के बाद क्या आएगा, 9, 12 के बाद क्या आएगा, 11 ठीक है, यानी 12 से पहले 11, 11 के बाद, 11 से पहले 10, लेकिन 10 जो है वो कॉमन में आता है तो उसको इधर रख लो ठीक है। 10, 9, 8, ये सारे जो है ना 8 तक वो आ जाते हैं इसमें इंट्रिंसिक पाथवे में। फिर 10 to 1, 10 to 1, जो 10, 2 और 1 है ना वो उसमें चला जाएगा कॉमन पाथवे में। और जो होता है ना एक्सट्रिंसिक पाथवे, उसमें टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 होते हैं। तो जो छोटा पाथवे उसमें छोटा लफ्ज पीटी, और जो बड़ा पाथवे उसमें बड़ा लफ्ज एपीटीटी। तो बड़ा लफ्ज जो है वो एपीटीटी होगा, हीमोफिलिया फैक्टर 8 वाला जो है वो इंट्रिंसिक में होता है। तो इंट्रिंसिक पाथवे के लिए क्या हम करते हैं, एपीटीटी ठीक है। और हीमोफिलिया में कौन सा फैक्टर होता है, हीमोफिलिया में ब्रांड जो है वो मेजर था ठीक है। ब्रांड जो है वॉन विली ब्रांड में फैक्टर 8 मेजर होगा, और ये रेज्ड जो हीमोफिलिया उसमें माइनर होगा, हीमोफिलिया में माइनर होगा ठीक है। एपिड्यूरल स्पेस इज ठीक है, ये कल मैंने एक्सप्लेन किया था न्यूरो वाला, जिसको नहीं अभी भी समझ आई ठीक है वो काइंडली वो न्यूरो वाला मेरा वो छोटा सा ना 5 मिनट का एक लेक्चर था वो सुन ले। फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू S2, फ्रॉम फोरामेन मैग्नम टू S2। लिम्फेटिक ड्रेनेज और प्रोस्टेट क्या होती है, दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल एलियक दोनों, अगर ये ऑप्शन में है तो इसको चूज करना है, लेकिन मेनली कौन सी होती है, इंटरनल एलियक। विच वन पासिस थ्रू शेटिक नॉच, शेटिक नॉच पिरिफॉर्मिस, पिरिफॉर्मिस ठीक है। ठीक है जी सही है, अगर शेयर भी कर दिया फिर भी मैं आप लोगों को ये कंफर्म कर दूंगा कि क्या है। डी प्लांटर आर्टरी से ब्रांच ऑफ, डी प्लांटर आर्टरी किसकी ब्रांच थी, डॉर्सेलस पेडस आर्टरी की। और अगर डॉर्सेलस पेडस आर्टरी कंजेनिटली एब्सेंट है तो पैरों को कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, एरोनियल पैरों। एनल वर्ज की कौन सी थी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड ठीक है। स्किन ऑफ ग्लैंड्स पीनस की या क्लिटरस की कौन सी है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। लेकिन अगर सिंपल वो कहे क्लिटरस और ग्लैंड्स पीनस की तो वो डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। डीप गेट टू थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, हमेशा इंटीरियर क्या चीज होगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेसल्स। अच्छा तो मैंने आपको कहा था पोस्टीरियर क्या होगा, वही एपिप्लोइक फोरामेन के जो पोस्टीरियरली था, जो एपिप्लोइक फोरामेन, इंटीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा, ये भी एमसीक्यू गुजरा हुआ है, वरना वो राइट यूरेटर, सॉस मेजर ठीक है, एओटा, ये सारी चीजें भी पोस्टीरियरली होती हैं, लेकिन हम थोड़ा सा एमसीक्यू ओरिएंटेड कर रहे हैं तो हमें बस वो पता होना चाहिए कि ये तो थी। अच्छा थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के ओ, नीचे वाला एमसीक्यू ये इंफीरियर वेना कैवा वाला है ठीक है, तो वो भी हो गया। सुपीरियरली क्या होगा, पेनक्रियाज, और इंफीरियरली क्या होगा, जुजिनम। आयरन रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट फीमेल में कितनी होती है, 1000, 1000। अभी मैंने एक और चीज 1000 से शुरू करवाई थी प्रेगनेंसी में, अभी मैंने एक और चीज 1000 से शुरू करवाई थी फाइव प्रेगनेंसी, सर यूट्रस, यूट्रस यूट का, फ्यूचर हाँ जी, वेट ऑफ ठीक है, साइज तो उसका इंक्रीज हुआ होता है, लेकिन डी फॉर डेडली, डी फॉर डेडली, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। ये जब क्लास खत्म होगी ना, जिन लोगों को इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक नहीं आता मैं उनको पढ़ा दूंगा, ताकि यार वो लोग बच्चे जिन जिन लोगों ने शुरू से लेक्चर्स लिया उनका जो है ना थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए ठीक है। जब क्लास खत्म होगी तो मैं पढ़ा दूंगा। पेशेंट प्रेजेंट्स विद फिजियल वेरिसेस सर, हैविंग ब्लीडिंग इसका विच, सर जी, लास्ट वन वाले का ऑप्शन में डी लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस ई मोस्ट डेडली। बच्चों इसमें मोस्ट लीथल हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी आया है, इन प्रेगनेंसी आया है तो डेट इज ई, रिमोट एरिया में भी ई, प्रेगनेंसी में भी ई। लेकिन अगर सिंपल वो पूछता प्रेगनेंसी ना होता, यू आर राइट, अगर प्रेगनेंसी ना होता ठीक है, सिंपल वो पूछता कि मोस्ट डेडली कौन सा है, तो वो हेपेटाइटिस डी था ठीक है, वो हेपेटाइटिस। लेकिन इन प्रेगनेंसी इज द कैचिंग वर्ड, दिस इज हेपेटाइटिस ई, दिस इज हेपेटाइटिस ई ठीक है। और एक और चलो एमसीक्यू मुझे याद आ गया कि डी और बी हमेशा इकट्ठे होते हैं, डी और बी हमेशा इकट्ठे होते हैं, बीडी। अच्छा जी, पेशेंट प्रेजेंट्स विद इसोफेजियल वेरिसेस हैविंग ब्लीडिंग विच वेसल, थैंक यू जी जिसने भी करेक्शन करवाया, थैंक यू।
अच्छा पेशेंट प्रेजेंटेड विद इसोफेजियल वेरिसेस हैविंग ब्लीडिंग व्हिच वेसल इज इन्वॉल्वड। ठीक है, इसोफेजियल वेरिसेस में कौन सी वेसल इन्वॉल्व होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, और वो जो कैपिटल प्रोड्यूसर था उसमें कौन सी होगी? पैरा अम्बिलिकल वेन्स, पैरा अम्बिलिकल वेन्स। विच मसल कॉज हिप फ्लेक्शन एंड मीडियल रोटेशन? अच्छा, हिप का फ्लेक्सर भी और मीडियल रोटेशन भी। पहले तो कोई मुझे बताए कि सार्टोरियस का एक्शन क्या है। इतना बता दूं कि सार्टोरियस को फ्लेक्सर ऑफ नी एंड हिप, फ्लेक्सर ऑफ नी एंड हिप पकड़ी मार के बैठता है ना यूं, इस तरह करके, जिस तरह भी वो टेलर बैठा होता। ठीक है, वो दोनों की फ्लेक्शन करवाता है, नी और हिप जॉइंट की, और साथ उसकी मीडियल रोटेशन भी करवा रहा होता है। लेकिन हिप फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन जो है वो सॉस मेजर करवाता है। हिप फ्लेक्शन और मीडियल रोटेशन सॉस मेजर करवाता है। आसान हो ले बच्चों, आसान हो ले, क्योंकि मुझे याद आ रहा है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मुझे इतना याद आ रहा है कि उसमें हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर्स दिए थे, और उसमें था, उसने एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग भी दिया था और एक और फीचर भी दिया हुआ था। तो स्वेटिंग वाला जो है वो बाद में आना था, पहले एक दूसरे वाला उसका फीचर आना था। वो कौन सा था बच्चों, किसी को याद है? मियोसिस एंड पिपिलरी कंस्ट्रिक्शन, मेरा ख्याल है इस तरह का ऑप्शन जो था ना वो इज ग्रेटर देन एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग। अच्छा, मोस्ट सजेस्टिव ऑफ कुशिंग सिंड्रोम इज व्हाट? अगर तो उसने मायोपैथी दी है तो वो करना है, वरना एब्डोमिनल स्ट्राया। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव कैटलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आइसोलेट इन कल्चर इज व्हाट? ठीक है, फीवर कफ है तो कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? स्ट्रेप निमोनी। ठीक है, और येलो स्प्यूटम कौन से ऑर्गेनिज्म का होता है? हाँ जी, स्टेफ निमोनी का। बेहतरीन बेहतरीन। स्टेफ का क्या होता है येलो? गोल्डन ठीक है, उसके बाद एथलीट जो है वो उसने ड्रिंक डिस्टिल वाटर बिफोर दिस, व्हाट इज द बॉडी कंडीशन? ठीक है, तो एथलीट ने अगर मैराथन के बाद डिस्टिल वाटर पी लिया है तो उसकी बॉडी की कंडीशन क्या होगी? ठीक है, आफ्टर एथलीट, आफ्टर मैराथन। ठीक है, तो मैराथन के बाद डेफिनेटली उसका क्या होगा? स्वेटिंग की वजह से ईसीएफ वॉल्यूम कम हुआ होगा। स्वेटिंग की वजह से क्या हुआ होगा? एमसीक्यू नंबर है जी 114। ठीक है, स्वेटिंग की वजह से ईसीएफ वॉल्यूम कम हुआ होगा सर, इंक्रीज नहीं होगा? नहीं, मैं ईसीएफ वॉल्यूम, आईसीएफ की नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूँ स्वेटिंग की वजह से, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो कम हुआ होगा। ठीक है, ड्यू टू स्वेटिंग।